और हम किसी बच्चे को क्यों बाहर करेंगे हम तो हर टेस्ट से गुजारेंगे ना बेटा हम यहाँ किसी को रिजेक्ट या सेलेक्ट करने नहीं खड़े हैं हम यहाँ पे बेटा आपको सच्चाई बताने के लिए खड़े हैं जो प्रयास करेगा जो एफर्ट्स करेगा जो पार्टिसिपेट करेगा वही डिसाइड कर पाएगा कि क्या होना और क्या नहीं होना ठीक है डोंट टेक मच प्रेशर हम हर चीज़ का एहसास करा रहे हैं जो गलतियाँ हैं ज़्यादा हैं बेटा ये कंट्रोल करना क्योंकि गलती आपके लिए गलत है ये मेरी बात समझ लो अच्छे ढंग से सो so, नेक्स्ट टेज तुम लोगों का क्या होना है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन क्योंकि इसमें एस और रीजनिंग दोनों होता है ओके सो दोज ऑफ यू दोफाई दी एफ टी स्टेज विल प्रोसीड फॉर द दिलिटी टेस्ट वन ओके टुडे ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गिव द दिलिटी टेस्ट इन दिस टेस्ट यू विल बी प्रोवाइडेड अ शीट ऑफ टीस फोर्टी फाइव आर गोइंग टू बी देयर द टाइम टू यू इज थर्टी मिनट्स क्लियर इन थर्टी मिनट्स अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इफ यू लेफ्ट एनी क्वेश्चन इफ एनी क्वेश्चन आउट दैट्स गोन द रीजन फॉर डिस्कालीफिकेशन ओके अगर भले ही तुम्हारे चालीस क्वेश्चन सही है तीन गलत हैं दो आपने छोड़ दिए अब डिस्कालीफाई हो सो ट्राई टू अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन थर्टी मिनट्स द टाइम इज एडेट देर इज़ नो नीड टू वरी टाइम काफ़ी रहता है आप लोग के पास टाइम बच ही जाएगा अच्छे से आप प्रोवाइड करोगे उसके बाद भी ठीक है फोर्टी फाइव मिनट्स फोर्टी फाइव क्वेश्चन हैं आपके तीस मिनट हैं पाँच उसमें रीजनिंग okay. के क्वेश्चन रहेंगे एक ओ एम आर शीट आपको मिलेगी पहले आपको ओ एम आर शीट दी जाएगी यू डिड योर फेज टू एडेप्टिटी टेस्ट वन और पिछले हैव अ रिजल्ट नाउ जैसे कि मेरे पास पी की रिपोर्ट आपकी आई तो इट वॉज़ नॉट गुड और एक बात ध्यान रखना अच्छे ढंग से बेटा कि स्टार्ट गिविंग द एफर्ट्स एक बहुत अच्छी बात मैं आप सबको समझा देता हूँ कि पूरे देश का लाखों लाख एयरफोर्स एस्परेंट बैठा हुआ है जो एक भ्रांतिमान में है कि ऐसा मौका आएगा रेस करेंगे हो जाएगा एस टेस्ट में बैठेंगे हो जाएगा जी में बैठेंगे हो जाएगा तो जो हो जाएगा वाला कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत गलत है लाइफ में और ये प्रतीक है कि इससे नहीं होगा एंड एवरी ऑब्वियसली फ्राइडे वी आर गोइंग टू डू दैट एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग साढ़े आपके भी ग्रुप में बने विल टेक एक्शन टुमारो कल उनको परमानेंटली हम बैठाएंगे तुम आराम करो तुम लोगों का भी रिपोर्टिंग आज 50 परसेंट रहा कितना रहा 50 परसेंट लोग आए ही नहीं तो आप लोग कभी कभी घबराते हो बहुत ज़्यादा कि सर आ, बहुत भीड़ है सर मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा जबकि अभी रियल टेस्ट में भी नहीं पहुँचे हैं बट उन्होंने अपना रंग दिखा दिया पूरा का पूरा यही हालात वहाँ पर भी होता है बेटा तो आप अगर एक मजबूत इच्छा शक्ति रख करके सिस्टमैटिक ढंग से खुद को हर एक्टिविटी के लिए तैयार रखें पार्टिसिपेट रखें कुछ लोगों का दिमाग क्या लगा होगा कि सोलह मीटर रेस होगी हम तो कर ना पाएंगे चलो यहीं से भाग लेते हैं जब कर ही नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं हो सकता है यहाँ आने के बाद हम सिस्टम चेंज कर दें कर दिया कि नहीं चेंज yes, लेकिन ये बात हमने नहीं बताई थी बिकॉज माई जॉब इज़ नॉट टू मेक एनीबडी आउट हमने रेस कराई उसका रिजल्ट दैट मीन आपके पी का रिजल्ट आपको दिखा दिया सच्चाई अब मेरे डायलॉग मारने से तुम हो जाओगे क्या या तुम्हारे डायलॉग से कुछ होने वाला है अल्टीमेट द रिज़ल्ट गिव यू लेसन एंड एवरी वी गिव यू लॉड ऑफ लेसन टू तो हर असफलता एक सीख है आपके लिए इसराज नहीं कर पाया वाकई में, में मेरे अंदर क्या है कुछ कमी है और मेरे को उस चीज़ को क्या करना है भैया अच्छा करना है और अब ये एक हफ्ते आपको जम के मेहनत करना है और अगले राउंड में आपको इसको कोशिश करना है कि आप सिक्स मिनट में डन करें बेटा सिक्स थर्टी तो हमारे सर लिस्ट में है ही नहीं कहीं से कहीं तक ये आपका प्रैक्टिस और ये आपका जज्बा होना चाहिए बात समझ में आ रही है आपको ठीक है सेकेंड फिर सोचे होंगे कि रेस से बाहर करेंगे रेस कराई हमने फिर हम सबको एस में भी ले आए कहाँ ले आए अभी अब एस भी सबका कराया और लाजमी सी बात है कि अब जी में भी हम सबको ले जाएंगे बिकॉज हम हर टेस्ट में ले जा के आपके फीडबैक को देंगे तो जो इस भ्रम में जी रहे होंगे कि सब तो फिजिकल से बाहर हो गए होंगे यार हम अच्छा हुआ नहीं गए उनको अब पता चलेगा कि आखिर हमारे अंदर की रणनीति क्या थी हम बेटा हर फेज से गुजारेंगे और उसकी सच्चाई से आपको अवगत कराएंगे रिजल्ट में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीधा आउट हो जाते हैं मैं उनका रोल नंबर बता देता हूं उनको पता भी चल ही गया होगा उनमें सबसे पहले आते हैं मिस्टर जो है अविनाश यादव जिन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप तो वैसे ही रिजेक्टेड हैं तो ध्यान रखना है कि 45 के 45 फाइव अटैम्प्ट होने चाहिए फिर दो लोग और हैं एक हैं 36 रोल नंबर क्या है 36 36 सिक्स का है चलो इनरोलमेंट नंबर बता देता हूं मैं टू वन डबल टू नाइन सिक्स पाँच क्वेश्चन छोड़ा आपने कैसे हिम्मत पड़ी आपके क्वेश्चन छोड़ने की करो बेटा वो प्रॉब्लम फिर वहाँ नहीं सुनी जाएगी ना यू नीड टू गिव द बेस्ट पांच लोग स्पेशली पकड़े गए इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ मैं इस टेस्ट को कराने का उद्देश्य क्या हमारा है कि ऐसा भी मिस्टेक उधर हो जाता है और हमें पता नहीं चलता हमें लगता है हम तो सब क्या करके आए थे सर और वहाँ पर कहानी अलग हो जाती है तो आई थिंक टेस्टिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट सर टेस्ट गिव दम रियल फीडबैक अब रिजल्ट भी सुन लो थोड़ा सा केवल 25 लोग हैं जो एब अब सिक्सटी स्कोर कर रहे हैं बाकी जो भी लोग हैं वो 60 से बिलो चले गए हैं तो दैट्स तो नॉट रियली गुड फॉर देम और हम तो यार आशा करके चल रहे थे कि सेवेटी परसेंट आएंगे इसमें उसके बावजूद ये हालात हैं क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नए हो गए थे क्या no, क्वेश्चन तो ये प्रैक्टिस हुए ही रहे होंगे कभी ना कभी उसके बावजूद मिस्टेक कमाल है और रॉन्ग तो क्या किया है आप लोगों ने धुआंधार रॉन्ग किए गए हैं क्या किए गए हैं हाँ तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है सही करिए क्योंकि रॉन्ग भी आपकी साइकोलॉजी को कोई सही दर्शाने वाला तरीका नहीं है छोड़ना तो चलो एक ओवर नेगेटिव साइकोलॉजी का हिस्सा है बट गलत भी आपकी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी को दर्शाता नहीं।, नहीं है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है क्योंकि सर रॉन्ग का भी एक मार्का है भाई इससे ज़्यादा रॉन्ग कर रहा है तो मतलब उसकी साइकोलॉजी पॉजिटिविटी मेच्योरिटी सेंसियरिटी जो एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग एस वो लैक कर रहा है वहाँ पर तो ये जो रॉन्ग करने वाले हैं ये इतना स्कोर तो लाएं इस आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज इन्होंने उतना रॉन्ग कर दिया है साथ में तो ये एक अच्छा फीडबैक नहीं है आप दो तीन चार रॉन्ग कर सकते हैं यार लेकिन आप सोचिए कि जो टेन टेन के अबव रॉन्ग कर रहे हैं क्या वो कर रहे हैं एक्चुअली वो किस तरह की साइकोलॉजी दर्शा रहे हैं तो बेटा दिस इज द टाइम तो टू गिव द प्रैक्टिस नेक्स्ट वीक में शेड्यूल में इम्प्रूव करेंगे आप लोग ठीक है ब्रेस में हंड्रेड परसेंट आशा करें हम भी कुछ कमिटमेंट कर दें क्या करो हाँ ना करें अच्छा ठीक है मैं गौरव सर को आज कमिटमेंट कर रहा था कि इनके साथ 1600 सो मीटर की रेस मैं भी लगाऊंगा क्या करूंगा और इनको दिखवाऊँगा देखो बुढ़ापे में भी दौड़ा जा सकता है क्या किया जा सकता है जा। अभी तुम तो बहुत जवान हो बेटा हाँ तो ये इच्छा शक्ति का गेम है किसका गेम है और छः मिनट में भी किया जा सकता है बात को समझें आप लोग जी बच्चा कुछ कह रहे थे आप सर कौन कौन से है? मतलब कौन कौन है अभी आपका रिज़ल्ट चिपका दिया जाएगा ठीक है ना तो फिर आपको रिजल्ट वहाँ नोटिस बोर्ड पर भी लग जाएगा और अभी मैसेज से भी रिकॉर्ड क्या कर दिया जाएगा आपको व्हाट्सअप मतलब भेज दिया जाएगा सारा का सारा तो आपको अपडेट हो इनको मैसेज करा दीजिएगा सर और इसको नोटिस बोर्ड पर नीचे स्टिक कर दीजिएगा जिससे जाके अपने रिजल्ट देख सकें तो चलिए डोंट टेक मच प्रेसर हम हर चीज़ का एहसास करा रहे हैं जो गलतियाँ हैं ज़्यादा हैं बेटा ये कंट्रोल करना क्योंकि गलती आपके लिए गलत है ये मेरी बात समझ लो अच्छे ढंग से क्योंकि अल्टीमेट वो सही साइकोलॉजी को नहीं दर्शा रहा है सही थॉट प्रोसेस को नहीं दर्शा रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट ओवरऑल इस पर काम करना है तो चलिए अब आप लोग बढ़ते हैं अपने अडेप्टबिलिटी टेस्ट टू की ओर सिंपल प्रोसीजर है पहुँचेंगे आप एंड uh, आपको वहाँ पे एक सीट uh, दी जाएगी जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक डिफाइन होगा उस सीट को पढ़ने के लिए हम आपको पाँच मिनट का समय देंगे वहाँ पे एंड आफ्टर दैट वन बाय वन आप खड़े होंगे अपना इंट्रोडक्शन देंगे खड़े भी नहीं होंगे आप बैठे ही रहेंगे अपना इंट्रोडक्शन रन करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक आपको दिया गया है उसे बाकायदे आप नरेट करेंगे एंड टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि दिस इंट्रोडक्शन नरेशन डिफाइन लॉट ऑफ थिंग बिकॉज वंस द डिस्कशन विल स्टार्ट ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट इन द जी राउंड बट नरेशन और आपका इंट्रोडक्शन कई हद तक आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स को हमें दर्शाता है दैट मीन आपका थाट प्रोसेस आपका क्लैरिटी आपका कॉन्फिडेंस और कहीं ना कहीं आप कितने साफ हैं किसी भी टॉपिक को किसी भी मुद्दे को लेकर अपना नजरिया रखने के लिए अपने विचार रखने के लिए ठीक है ना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है नरेशन में अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखें और बेहतरीन इंट्रोडक्शन दें और कॉन्फिडेंस बिल्कुल झलक के आना चाहिए चेहरे ऐसा ऐसा लगे कि, कि किसी और का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं आप अपना ही पढ़ रहे होंगे इसी के आधार पर एक मार्किंग सिस्टम होगा फिर फाइनली आप सब वहाँ से जब आपका ग्रुप डन हो जाएगा यहाँ आके बैठेंगे सेकेंड ग्रुप जाएगा फिर वो भी आके यहाँ पर बैठेंगे और फिर लास्ट में आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे कि आखिर जी में कितने लोग आज क्या हुए हैं सफल हुए हैं फिर एक हफ्ते लगातार मेहनत चलेगा शाम का क्लास का आज सर कैंसिल रहेगा इनका शाम का क्लास कैंसिल रहेगा आप लोगों का कल से एजूजल फिर से जो आपका शेड्यूल है स्टार्ट हो जाएगा दो घंटे बेटा आप यहाँ गाइडेंस के लिए आते हैं बाकी बाईस घंटे आपके पास हैं और आप खुद को ही खुद से बेहतर कर सकते हैं सामने वाला दिशा देगा गाइडेंस देगा अल्टीमेट काम किसको करना है आपका हिस्से का रेस कोई दौड़ेगा या आपके हिस्से का टॉपिक कोई पढ़ लेगा तो आपको समझ में आ जाएगा या आपके हिस्से में कोई बैठ करके बोलेगा आपकी जगह सब कुछ किसको करना है तो जस्ट स्टार्ट डूइंग यार आप करो इतने पहले से आए हो बेटा तो कुछ एक अलग जाके इस बार स्टैंडर्ड खड़ा कर दो फेज़ टू के अंतर्गत एयरफोर्स के अंदर कि हाँ सर हम भी अलग तरीके से तैयार होके आए हैं और वो परफॉर्मेंस दो कि एयरफोर्स को भी लगे कि हाँ दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट बी वॉन्ट ये है जो हमको चाहिए था ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड प्रोसीजर एंड गुड लक फॉर माई साइड बी कॉन्फिडेंट जेनविन रिजल्ट आज बहुत इंस्पायरिंग नहीं है बट इट्स अ फर्स्ट सर तो सारी गलती माफ़ है दैट्स नॉट ए इश्यू और उन को से तो हम कल मिलेंगे गौरव सर चल के स्ट्रिक्टली और जो दिमाग उन्होंने एक्स्ट्रा वाला लगाया है कोई नहीं पता था कि उनसे बड़ा दिमाग कोई लगा रहा होगा बैठ के और हम किसी बच्चे को क्यों बाहर करेंगे हम तो हर टेस्ट से गुजारेंगे ना बेटा क्योंकि एक टेस्ट का पास फेल नहीं डिसाइड करता है हर स्टेज पे हम आपको होश में लाएंगे और हर स्टेज पे आपको सिखाएंगे कि आप अपने अंदर क्या बेहतर करिए हम यहाँ किसी को रिजेक्ट या सेलेक्ट करने नहीं खड़े हैं हम यहाँ पे बेटा आपको सच्चाई बताने के लिए खड़े हैं और सच्चाई बताने का केवल एक उद्देश्य है बच्चा कि आप और फोकस हो जाएं आप भ्रम में ना जिए ड्रीम में न जिए बहुत सारे बच्चे ऐसे ही भ्रम में और ड्रीम में बैठे हुए हैं कि सब चमत्कार हो जाएगा नहीं बेटा ये गलत है जो प्रयास करेगा जो एफर्ट्स करेगा जो पार्टिसिपेट करेगा वही डिसाइड कर पाएगा कि क्या होना और क्या नहीं होना ठीक है तो चलिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर मा साइड